हेलो एवरीवन टुडे विल डू नाइन्थ चैप्टर ऑफ सेवंथ एनसीआर इंग्लिश बुक द नेम ऑफ द चैप्टर इज अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर इस चैप्टर में हम एक बाइसिकल की रिपेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एक बाइसिकल को कितने अच्छे तरीके से रिपेयर किया गया था ओके okay? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अ मैन आई नो पपोज वन इवनिंग वी शुड गो फॉर अ लॉन्ग बाइसिकल राइड टूगेदर ऑन द फॉलोइंग डे एंड आई अग्रीड एक मैन जिसको मैं जानता था उसने मुझे प्रपोज किया यानी कि मुझे ऑफर दिया कि हम जो है नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे मींस नेक्स्ट डे हम जो है फॉलोइंग डे में नेक्स्ट डे पर जो है बाइसिकल की राइड के लिए चलेंगे और मैं अग्री हो गया आई गॉट अ पर्ली फॉर मी आई मेड एन एफर्ट एंड वॉज़ प्लेज विद माई सेल्फ मैं जल्दी उठा अपने लिए फॉर मी आई मेड एन एफर्ट मैंने अपने लिए एफर्ट किए कि मे भी हो सकता है कि राइटर जो है बहुत लेट उठता हो और उस मॉर्निंग जो है बहुत से एफर्ट्स करके वो अपने लिए जल्दी से उठा एंड वो अपने आप से बहुत ज़्यादा खुश था ही केम हाफ एन आवर लेट वो जो है हाफ एन आवर लेट आया आई वॉज़ वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन और मैं जो है उसके लिए गार्डन में वेट कर रहा था इट वॉज़ अ लवली डे ही सैड दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स हाउ डज़ इट रन ये जो है बहुत ही लवली डे था बहुत ही अच्छा मीन्स मॉडरेट वेदर वाला डे था और उसने कहा कि तुम्हारी ये मशीन मशीन इन द सेंस कि बाइसिकल कि तुम्हारा ये बाइसिकल कितना सुंदर दिखता है हाउ डज इट रिंग ये चलता है कैसे है ओ लाइक मोस्ट ऑफ देम आई आंसर्ड मैंने आंसर किया कि ओ oh, जैसे मोस्टली चलते हैं इजिली इनफ इन द मॉर्निंग गॉज लिटिल स्टिफी आफ्टर लंच मॉर्निंग में बहुत अच्छे से चलता है और दोपहर बाद थोड़ा सा भारी चलना शुरू हो जाता है ही कॉट होर्ड ऑफ इट बाई द फ्रंट व्हील एंड फोक एंड शूक इट वॉयेंटली उसने जो है इसको सामने वाले पही से और उसके फोक को पकड़ा और इसको बुरी तरीके से हिला दिया आई से डोंट डो दैट यू विल हार्ट इट मैंने उसको कहा कि ऐसा मत करो तुम उसको नुकसान पहुँचा रहे हो आई डोन्ट नॉट सी वाई ही शुड सेक इट एंड ही इट हैड डन एनीथिंग टू हिम मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसने इसको क्यों हिलाया और इसने इसके साथ क्योंकि बाइसिकल ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था मतलब कुछ भी उसका बुरा नहीं किया था फिर भी वो उसको हिला रहा था शेक कर रहा था बिसाइड इफ़ इट वॉन्ट इट शेकिंग आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट और इसके अलावा अगर उसको शेक करने की ज़रूरत थी तो मैं वो प्रॉपर पर्सन था जो उसको शेक कर सकता था मतलब कि मेरी बाइसिकल है अगर उसको कुछ हिलाना डुलाना था तो मैं अपने आप से कर लेता मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्यों मेरी साइकिल को शेक किया ओके I felt much as I should had he started waking my dog मुझे वैसा ही feel हुआ जैसा कि वो जो है मेरे dog को जैसे कि मार रहा है means bicycle के साथ जो writer है उसकी attachment बहुत ज़्यादा थी जैसे किसी अपने pet के साथ होती है ना तो वैसे ही जो है bicycle के साथ उसकी attachment थी जब उस person ने उसके bicycle को shake किया बुरी तरीके से हिलाया तो उसको ऐसा लगा कि जैसे उसके dog को मारने पर लगता ओके ही फ्रंट व्हील वो बल्स उसने कहा कि ये सामने वाला जो व्हील है वो वो बल हिल रहा है ओके वो बल मीन्स मूव अनस्टिडली फ्रॉम साइड टू साइड एक साइड से दूसरी साइड अनस्टिडली मूव करना हिलना आई सेट इट डजेंट इफ यू डोंट वो बल इट मैंने कहा कि ये नहीं हिलेगा अगर तुम उसको नहीं हिलाओगे तो इट डि नॉट वो बल एज मैटर ऑफ फैक्ट नथिंग वर्थ कॉल कॉलिंग अ वोबल वो नहीं हिल रहा था और अगर मैं कहूँ तो इसमें वोबल कहने वाली कोई बात ही नहीं है मतलब कि मेरी साइकिल का फ्रंट व्हील जो है बिल्कुल सही है उसमें कोई हलचल नहीं हो रही थी ही सैड दिस इज डेंजरस उसने कहा कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है हैव यू गोट अ हैमर क्या तुम्हारे पास एक हैमर है आई ओट टू हैव बीन फर्म मुझे यहाँ पर फर्म रहने की यानी कि दृढ़ रहने की ज़रूरत है कि भाई वो मेरे बाईसिकल के साथ कुछ भी ना करे बट आई थॉट दैट परह्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट दिस बिजनेस लेकिन मैंने सोचा कि शायद वो जो है इसके बारे में कुछ जानता है मीन्स अब उसने जो है साइकिल को हिलाना डुलाना शुरू कर दिया था अब राइटर सोच रहा था कि मुझे उसको छेड़खानी नहीं करने देने चाहिए थे लेकिन फिर राइटर को लगा कि शायद वो बहुत अच्छे से जानता है कि भाई हाँ शायद वो मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानता है बाइसिकल्स के बारे में कि भाई हाँ वो हिल रहा है या खराब है या ठीक है तो उसने क्या किया उसको जो है अग्री कर दिया कि भाई हाँ चलो तुम मेरी साइकिल के साथ कुछ भी करो आई वेंट टू द टूल शेड टू सी वॉट आई कुड फाइंड और मैं जो है उसके बाद जो है हैमर को है देखने के लिए टूल शेड में गया वेन आई केम बैक ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड विद द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग्स जब मैं वापस आया तो वो ग्राउंड पर बैठा हुआ था और मेरी साइकिल का फ्रंट व्हील उसकी लेग्स के बीच में था ओके ही वॉज प्लेइंग विद इट वो इसके साथ खेल रहा था ट्विडलिंग इट अ राउंड बिटवीन हिज फिंगर्स अपने फिंगर्स के चारों तरफ इसको टर्न कर रहा था ट्विडलिंग मींस टर्निंग ओके ही रेमनेंट ऑफ द मशीन वॉज लेंग ऑफ द ग्रेवल पैथ बी हिम रेमनेंथ मीन्स रिमेनिंग पार्ट और मशीन के यानी कि बाईसिकल के जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो जो है ज़मीन पर गिरे हुए थे ही सैड इट लुक्स मी एज इफ द बियरिंग्स वर ऑल रॉन्ग उसने कहा कि मुझे लगता है कि इसके जो बियरिंग्स हैं ना वो पूरी तरह से खराब हो गए हैं आई से डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मो यू विल मेक योर सेल्फ टायर लेटस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ मैंने कहा कि इसके साथ तुम्हें ज़्यादा मुसीबत मोल लेने की ज़रूरत नहीं है चलो हम इसको वापस रख देते हैं और फिर जो है हम अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए चलते हैं जैसा कि डिसाइड हुआ था कि भाई हम मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं बट मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं वो बाइसिकल राइड के लिए जा रहे थे और बाइसिकल को तो उसने छेड़ना ही शुरू कर दिया था ही सैड वी मे एज वेल सी वट इज़ द मैटर विद इन नाउ इट इज़ आउट और उसने कहा कि नहीं हमें देखना चाहिए कि इसके साथ हुआ क्या है और अब ये बाहर आ चुका था यानी कि जो फ्रंट व्हील था उसको उसने बाहर निकाल दिया था ही टोक्ड एज दो इट हैड ड्रॉप्ड आउट बाय एक्सीडेंट वो इस तरह से बातें कर रहा था कि जैसे ये बाय एक्सीडेंट हुआ है यानी कि उसने फ्रंट व्हील को बाहर नहीं निकाला वो फ्रंट व्हील जो है बाई एक्सीडेंट बाई चांस अपने आप से बाहर निकल गया है बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही हैड अनस्क्रूड समथिंग सम वेहर जिससे पहले कि मैं उसको रोक पाता उसने जो है कहीं से अनस्क्रू बहुत सारे स्क्रूज़ को खोल दिया था ओके एंड आउट रोल ओवर द पाथ सम डो लिटल बॉल्स और जो पाथ पर जो रास्ता था वहाँ पर छोटी छोटी जो है डॉजनस ऑफ बॉल्स यानी कि दर्जनों बॉल्स no छोटी छोटी बॉल्स क्या कर रही थी रोल ओवर कर रही थी कैश टैम ही शाउटिड कैस टैम वी मस्ट वी मस्ट मस्ट नॉट लूज एनी ऑफ दैम उस वो उसने चिल्लाया कि उनको पकड़ो उन्हें पकड़ो हमें उन्हें खोना नहीं है ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट डैम वो जो है उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहा था वी क्रॉल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर एंड फाउंड सिक्सटीन हम जो है हाफ एन आवर तक राउंड के ऊपर क्रॉल करते रहे और हमें जो है कितनी बॉल्स उनको मिली सिक्सटीन बॉल्स मिली ही सेल्ट ही होप्ड

टू डू आई एडमिट मैंने जो है उनको सेफली अपनी हेड के अंदर रख दिया हाँ मुझे पता है कि एक सेंसिबल थिंग नहीं लग रही थी मतलब किसी चीज़ को सेव रखने सेव करने के लिए हेड के अंदर रखना मैं एडमिट करता हूँ कि ये कोई सेंसिबल थिंग नहीं है लेकिन फिर भी मैंने जो है उनको सेव रखने के लिए अपनी हेड के अंदर रख दिया ही दैन सेड दैट वाइल ही वॉज अबाउट इट ही वुड टू सी द चेन फॉर मी एंड एट वंस बिगेन टॉकिंग ऑफ द गियर केस उसने कहा कि अब वो जो है मेरे लिए चेन को देखेगा कि भाई कोई चेन में गड़बड़ तो नहीं है और एट वंस उसने जो है गियर केस के बारे में बोलना शुरू कर दिया आई डिड ट्राई टू डिजुएट हिम फ्रॉम दैट मैंने उसको जो है ऐसा करने से रोकने की कोशिश की आई टोल्ड हिम वट एन एक्सपीरियंस्ड वट एन एक्सपीरियंस फ्रेंड ऑफ माइंड वंस एट टू मी सॉल

तो तुम गियर केस को ठीक करवाने के बजाय मशीन को ही बेच दो वो तुम्हें सस्ता पड़ेगा यानी कि नई मशीन ले लो गियर केस को अगर ठीक करवाने जाओगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा नई मशीन लेना तुम्हें सस्ता पड़ेगा ही सैड उसने कहा पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन्स नथिंग इज ईजियर देन टेकिंग ऑफ अ गियर केस उसने कहा कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना उन्हें मशीन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है गियर केस को खेल खोलने से ईजी तो कुछ भी नहीं है आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट मुझे मानना पड़ा वो कि वो सही था इन लेस देन फाइव मिनट्स ही हैड द गियर केस इन टू पीसेस सिर्फ फाइव मिनट्स में फाइव मिनट से कम टाइम में ही, में ही उसने जो है गियर केस को टू पीसेस में खोल कर रख दिया था लेंग ऑन द पाथ जो कि पाथ पर रस्ते पर गिरे हुए थे एंड वॉज ग्लॉबलिंग फॉर स्क्रूज और अब वो जो है स्क्रूज पेच ढूंढने लगा था ही सेड इट वॉज ऑलवेज अ मिस्ट्री टू हिम द वे स्क्रूज डिसअपीयर उसने कहा कि ये हमेशा मेरे लिए एक रहस्य बना हुआ है मिस्ट्री बनी रही है कि किस तरह से स्क्रूज जो है डिसअपियर हो जाते हैं गायब हो जाते हैं वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं चलता कि पेच किस तरह से गायब हो जाते हैं कॉमन सेंस कॉन्टिन्यू टू विस्पर टू मी कॉमन सेंस जो मेरी कॉमन सेंस थी वो मुझको कह रही थी स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिस्चिफ मेरी कॉमन सेंस मुझे क्या कह रही थी कि उसको रोक दो इससे पहले कि वो कोई और शरारत तुम्हारी बाइसिकल के साथ करे यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट यूर ऑन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेवेंज ऑफ द लेनेटिक उसने कहा कि तुम्हें जो है लेनेटिक लेनेटिक क्या होता है मैड पर्सन मैड पर्सन से अपनी प्रॉपर्टी को डैमेज करने से बचाने का पूरा अधिकार है टेक हिम बाय द स्कफ ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट उसको जो है कॉलर से पकड़ो और उसको गेट से बाहर निकाल दो मतलब राइटर की कॉमन सेंस उसको कह रही थी कि उसको रोको इससे पहले कि कोई और, और गड़ गड़बड़ वो करे अपनी प्रॉपर्टी को बचाने का अधिकार है तुम्हारा उसका मन कर रहा था कि वो कॉलर को उसके कॉलर को पकड़े और उसको गेट से बाहर निकाल दे बट आई एम वीक वेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग एंड आई लेट हिम मर्डल ऑन और उसने कहा कि मैं वीक पड़ जाता हूँ जब भी मुझे मतलब ऐसा मौका होता कि भाई हाँ मुझे दूसरे लोगों की इमोशंस फीलिंग्स को हर्ट करना पड़ेगा इसके लिए तो मैं जो है उस टाइम पर वीक पड़ जाता हूँ और मैंने जो है उसको मडल ऑन यानी कि थिंग्स को मिक्स करने दिया यानी कि जैसा वो कर रहा है चलो भई करता रहे ही केव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रूज अब उसने जो है रेस्ट ऑफ द स्क्रूज़ को देखना छोड़ दिया था ही सेट स्क्रूज हैड अ नेक ऑफ टर्निंग अप वेन यू लिस्ट एक्सपेक्टेड दैम एंड दैट नाउ ही वुड सी टू द चीन उसने कहा कि जब आप स्क्रूज कि में सोचना बंद कर देते हो, यानी कि जब आप स्क्रूज को ढूंढना बंद कर देते हो ना तब वो अपने आप से आपके सामने आ जाते हैं इसीलिए स्क्रूज को तो उसने ढूंढना बंद ही कर दिया था अब उसने चेन को देखना शुरू किया ही टाइटन इट टिल इट वुड नॉट मूव उसने इसको इतना टाइट कर दिया कि अब वो मूव ही नहीं कर पाई देन ही लूज इन टूट एज इट वॉज बिफोर फिर उसने इसको लूज कर दिया इतना लूज कर दिया कि जितना वो पहले लूज थी ना उससे दो गुना लूज कर दिया था यानी कि अब बहुत लूज कर दिया था देन ही सेड ही हैड बेटर थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इन टू हिज प्लेस अगेन तब उसने कहा कि मुझे लगता है कि अब हमें जो है फ्रंट व्हील को उसके प्लेस पर दोबारा लगा देना चाहिए आई हैड द फोक ओपन मैंने जो है ओपन खुले हुए फोक को पकड़ा एंड ही वरिड विद द व्हील और वो जो है व्हील के साथ बहुत वरीड था बहुत चिंता में था एट द एंड ऑफ टेन मिनट्स टेन मिनट्स के बाद आई सजेस्टेड ही शुड होल्ड द फोक एंड दैट आई शुड हैंडल द व्हील मैंने सजेस्ट किया कि उसको जो है फॉक पकड़ना चाहिए और मैं जो है व्हील को हैंडल करता हूँ ओके एंड वी चेंज प्लेसेज और हमने जो है प्लेसेस को चेंज किया अब जो है वो जो दूसरा पर्सन था उसने फॉक को पकड़ा हुआ था और राइटर क्या कर रहा था व्हील को अपने प्लेस पर लगा रहा था एट लेंथ वी डिड वी डिड गेट द थिंग्स इन टू पोजिशन और फिर जो है हमने सारी चीज़ों को अपनी पोजिशन पर लगा दिया एट द मोमेंट इज इट वॉज इन द पोजिशन ही बर्स्ट आउट लाफिंग और जैसे ही व्हील अपनी पोजिशन पर लगा वो जोर जोर से हंसने लगा आई सेड व्हाट्स द जॉक इसमें हंसने वाली क्या बात है मैंने कहा सेड वेल आई एम एन एस उसने कहा कि मैं एक गधा हूँ इट was द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड दैट मेड मी रिस्पेक्ट हिम आई asked हिम what हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी ये जो पहली चीज थी जिससे मैं उसकी रिस्पेक्ट करने लगा था मतलब पहली ऐसी बात जिसके साथ राइटर अग्री हुआ था कि भाई हाँ सच में वो गधा ही है मैंने उससे पूछा तुम्हें ये पता कैसे चला कि तुम गधे हो ही सेड वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स उसने कहा कि हम बॉल्स को तो भूल ही गए आई लुक फॉर माई हैट इट वॉज लेंग टॉपसी टोवी इन द मिडल ऑफ द पाथ वो जो है मैंने फिर जो है अपनी हेड के बारे मेंट को देखा वो जो है मिडल ऑफ द पाथ पर टॉपसी टॉवी मीन्स अप साइड डाउन उल्टी पड़ी हुई थी ही वॉज ऑफ ए चिफुल डिस्पोजिशन अब मुझे बहुत ज्यादा खुश था ही सेट वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड एंड टर्स टू एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस उसने कहा कि हमें जो कुछ भी मिलता है हमें उस मिली हुई चीज़ों को यानी कि जितने भी बॉल्स हमें मिलते हैं उन सभी बॉल्स को हम उनकी प्लेस पर लगा देंगे और फिर इन चीज़ों को भगवान के भरोसे छोड़ देंगे कि भाई हाँ ये सही से काम करे वी फाउंड इलेवन हमें सिर्फ इलेवन मिली सिक्सटीन में से अब कितने मिली इलेवन मिली वी फिक्स सिक्स वन साइड एंड फाइव अदर साइड हमने जो है सिक्स को एक साइड दोबारा से उसकी जगह पर था इट नीड हार्डली बी एडेड रियली डिड वोबल नाउ अब ये जो है कहने की जरूरत नहीं थी कि अब ये सच में हिलने लगाया था अ चाइल्ड माइल्ड एक बच्चा भी इसको नोटिस कर सकता था कि भाई हाँ आगे वाला व्हील जो है वो क्या कर रहा है वोबल कर रहा है हिल रहा है ही सेड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट उसने कहा कि अब ये इस टाइम के लिए तो ठीक हो गया अब तो तुम्हारा काम इससे चल जाएगा आई सेट वॉचिंग यू डू दिस इट फॉर रियल यूज़ टू मी उसने कहा मैंने कहा कि तुमने जो है इसका रियल यूज़ मेरे लिए कर दिया है यानी कि हाँ ठीक है अब मैं इसको सही से यूज़ कर सकता हूँ इट इज़ नॉट ओनली योर स्किल दैट फैंटेस्टिक मी इट इज़ योर चीयरी कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ यू इनएक्सपेंसिबल होपफुलनेस दैट डज मेक गुड उसने कहा कि तुम्हारी स्किल ने ही नहीं मुझे फैसिनेट किया यानी कि तुम्हारी जो स्किल है ना साइकिल्स को मशीन्स को ठीक करने की उसने ही मुझे खुश नहीं किया बल्कि तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना कि भाई तुम्हें सब कुछ पता है उस चीज से भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ ओके दस एंक्रेज ही सेट टू वर्क टू री फिक्स द गियर केस मैंने जब उसको ये ऐसे इंक्रेज किया यानी कि जब मैंने उसका उत्साह बढ़ाया कि भाई हाँ तुम्हारे अंदर तो बहुत ज़्यादा स्किल है और तुम्हारे अंदर तुम तो होपफुलनेस भी बहुत ज़्यादा हो तुम्हारे अंदर होप्स भी बहुत ज़्यादा ये सारी बातें सुनकर उसने जो है गियर को केस को फिक्स करना शुरू कर दिया हिस्टूड द बाइसिकल अगेंस्ट द हाउस उसने जो है बाइसिकल को घर के घर के सहारे खड़ा कर दिया था एंड वर्क फ्रॉम ऑफ साइड और उसके दूसरी साइड जो है वर्क करने लगा था देन ही स्टूड इट अगेंस्ट अ ट्री फिर उसने जो है इसको एक ट्री के सहारे खड़ा किया वर्क फ्रॉम वन वर्क फ्रॉम द वन साइड ऑन द साइड और फिर जो है उसकी साइड से काम करने लगा देन आई हेल्ड इट फॉर हिम फिर जो है मैंने उसके लिए इसको पकड़ा वाइल ही ले ऑन द ग्राउंड विद हिज हैड बिटवीन द व्हील्स एंड वर्कड एट इट फ्रॉम बिलो एंड ड्रॉप ऑयल अपॉन हिमसेल्फ जब जो है वो इसको मैंने इस मैं इसको पकड़ा हुआ था और वो काम कर रहा था वो ग्राउंड पर लेट कर व्हील्स वी, के बीच में काम कर रहा था तो उस क्या हुआ कि जो ऑयल होता है ना बाइसिकल के अंदर उसकी कुछ ड्रॉप्स जो है उसके ऊपर गिर गई देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी फिर उसने जो है मुझे उस इस इससे मुझे ले लिया एंड डबल्ड हिम सेल्फ अक्रॉस इट टिल द लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्लाइड ओवर ऑन टू इट्स हैड और फिर जो है इसके बाद जब उसने मुझे मुझसे इसको लिया तो एकदम से उसका बैलेंस बिगड़ा और वो पूरा का पूरा जो है उसके सिर पर जा गिरा देन ही लॉस्ट ही स्टेम्पर अब उसको गुस्सा आ गया एंड ट्राइड बोलिंग द थिंग्स और जो है थिंग को यानी कि बाइसिकल को बुरा भला कहने लगा द बाइसिकल आई वॉज ग्लैड टू सी शॉर्ट स्पिरिट एंड द सब्सिक्वेंट प्रोसीडेड डिग्निग्रेटेड इन टू द लिटिल एल्स देन अ रफ एंड टम्बल फाइट बिटवीन हिम एंड मशीन अब उसने जो है मशीन को बुरा भला कहना शुरू कर दिया था फिर उस आ, मैं यह देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि साइकिल भी जोश में दिखाई दे रहा था उसके बाद की कार्रवाई उसके और मशीन के बीच में हुई यानी कि कभी तो बाईसिकल उसके ऊपर गिर रहा था कभी वो बाइसिकल के ऊपर कर रहा था गिर रहा था मतलब एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे वन मोमेंट द बाइसिकल वुड ऑन द ग्रेवल पाथ पाथ एंड ही ऑन द टॉप ऑफ इट एक मोमेंट में जो बाईसिकल था वो पाथ पर गिरा हुआ था और वो उसके ऊपर था देन नेक्स्ट द पोजिशन वुड बी रिवर्स्ड और नेक्स्ट टाइम पर पोजिशन रिवर्स्ड हो गई थी उल्टी हो गई थी ही ऑन द ग्रेवल पाथ एंड बायसिकल ऑन हीम वो जो है ग्रेवल पाथ पर गिरा हुआ था और बायसिकल उसके ऊपर गिरी थी नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लस्ट विद विक्ट्री एंड द बायसिकल फॉर्म मी फिक्सड बिटवीन हिज लेग लेक आप जो है वो खुशी के साथ खड़ा हुआ और उसने बाइसिकल को उसकी टांगों के बीच में बड़ा जोर से पकड़ा लेकिन उसकी जीत कुछ ही पल की थी अचानक बहुत तेजी से वहाँ पर कुछ हलचल हुई और उसने अपने आप को जो है इससे फ्री कर लिया था ओके यानी कि अब फिर से ये जो उल्टी पड़ गई थी इसके एक हाथ में उसका वो जो है उसके एक हाथ में थी और दूसरी तरफ उसका जो हैंडल था वो उसके सिर पर जा लगा यानी कि दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हो रही थी एट अ क्वार्टर टू वन एट अ क्वार्टर टू वन पौने एक बजे ठीक है डर्टी एंड हावर्स कट एंड ब्लीडिंग ही सेड आई थिंक दैट विल डू एंड रोज एंड वाइप्ड हिज ब्रो वो जो है मैल से सना हुआ कटा हुआ खून बहता हुआ उसके खून बह रहा था उसके कपड़े गंदे हो गए थे और उस उसके बाद उसने कहा कि मेरे विचार से अब ये काम करेगी और अपने फोर को पहुँचते हुए वो खड़ा हो गया था ओके okay? अपने ब्रॉस को अपने फोर को पहुँचते हुए वो खड़ा हो गया था द बाइसिकल लुक एज ए फिट ऑल्सो हैड हैड इनफ ऑफ एट ओके बाइसिकल ऐसे दिखाई दे रही थी कि जैसे उसके साथ बहुत कुछ हुआ है किसको ज़्यादा सज़ा मिली ये कहना तो मुश्किल था मैं उसको वापस रसोई घर में ले गया जहाँ जितना संभव था उसने अपने आप को साफ किया फिर मैंने उसको घर भेज दिया और इस तरह से उसने मेरे बाइसिकल को रिपेयर किया क्या सच में बाइसिकल को रिपेयर करने की ज़रूरत थी नहीं वो तो बहुत सही से काम कर रही थी बहुत सही चल रही थी लेकिन उस पर्सन ने क्या दिखाया कि भाई हाँ मैं बाईस के के बारे में, मशीन्स के बारे में में बहुत कुछ जानता हूँ आप उसने गुड रिपेयर नहीं की कैसी रिपेयर बेड रिपेयर कर दी उसको उसको ठीक करने के बजाय बहुत बुरे तरीके से खराब कर दिया हालांकि राइटर उसको बीच में रोकना चाहता था लेकिन नहीं रोक पाया क्योंकि दूसरों की फीलिंग्स को वो हर्ट नहीं कर सकता था सो ऐसा हुआ हमारी बाइसिकल के साथ इतनी अच्छी रिपेयरिंग उसकी हुई आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बहुत पसंद भी आई होगी टेल मी इन कॉमेंट सेक्शन लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स थैंक यू बाय बाय कीप लर्निंग